एक प्रशासन की छोटी सी लापरवाही के कारण हमारा हीरो आज खत्म हो गया। हम बड़े दुख के साथ बैठे। गोगा जी के बाद जिस व्यक्ति ने गोगा मेरी को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति दिलाई, हम सब के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और केवल राजपूत समाज की नहीं, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई में वो जहाँ भी उसकी जरूरत होती थी वो पहुंच जाता था। लोग कहते हैं गुंडा था, गुंडा नहीं था सुखदेव। सुखदेव सिंह गुंडों का गुंडा था। प्रशासन ने की लापरवाही है, मिली भगती है, क्यों बिना मिली भगती के ऐसा काम संभव नहीं है। जो अधिकारी इस मांग को, जो सुरक्षा की मांग इनने उठाई, उनने उस पर ध्यान नहीं दिया, या तो वो ये चाहते थे कि सुखदेव सिंह का मर्डर हो। पर मेन मांग ये है कि ये कार्रवाई किसने है, इस चीज का मेन पता लगाना। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोगामेड़ी गांव के अंदर और यहां पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं, यहां पर धरना लगाकर बैठे हैं। दरअसल कल जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी जयपुर में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पूरे राजस्थान और पूरे जो इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और ऐसे में एक विरोध यहाँ पर उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में भी चल रहा है। तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह का व्यवहार यहाँ पर गोगामेड़ी के अंदर सुखदेव सिंह शेखावत का रहा है, और अब वो किस तरह से, क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ ये अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से। मांग तो यही है कि जो जिन्होंने हत्या की उन्होंने सबने देखा है, लोग मीडिया में आ रही है, परिवार को सुरक्षा देना, मुआवजा देना, नौकरी देना, इस तरह के सामाजिक लोग जो मारे जा रहे हैं सरेआम, सभी समाजों को, एक के नहीं है कोई, इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इस तरह की कोई व्यवस्था करना, यही अपील है। ऐसा गांव में तो नहीं है, पुलिस जांच का विषय है किसके कौन क्या किया है। अभी तो पहले किसी, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अभी को जयपुर से मैसेज आया कि दिनेश सेमन साहब को बुलाया है स्पेशल जांच के लिए। अब ये तो जांच जब होगी तभी पता चलेगा कौन है। कुछ लोग पॉपुलरिटी के लिए भी कह देते हैं हमने किया है, हमने किया है, बाकी अभी जांच में पता चलेगा कौन है। कहने के लिए लंबा चौड़ा कुछ क्या कहें, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुखदेव सिंह पिछले 15 सालों से समाज के सब वर्गों को, सब ग्रुप्स को इकट्ठा करके और समाज की लड़ाई लड़ रहा था, और केवल राजपूत समाज की नहीं, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई में वो जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती थी वो पहुँच जाता था, और दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं है। किसने किया, क्या किया, ये तो पुलिस जांच का विषय है, जांच चल रही है। पीछे पुलिस प्रशासन के मार्फत ही लोगों को सूचना इनको दी गई थी कि हत्या के लिए कुछ लोग घूम रहे हैं, कि एक कोई सतपाल सतपाल उनने कोई धमकी वगैरह भी दी बताई। प्रशासन को पता था, इनने सुरक्षा भी मांगी, उनमें ये लिखित में दे रहे हैं कि AK-47 लेके घूम रहे हैं, ऐसी सूचना प्रशासन सुखदेव सिंह को दे रहा था। सुखदेव सिंह ने और हमारे संगठन ने, करनी सेना ने, पूरे प्रदेश स्तर पे हमने ज्ञापन के मार्फत लोगों, प्रशासन से इनकी सुरक्षा की मांग की थी। सुखदेव सिंह ने पिछले 3 साल से हर मंच पे ये मुद्दा उठाया था कि आप सूचना मुझे दे रहे हो कि मेरे को मारने वाले लोग हैं, AK-47 लेके घूम रहे हैं, आप मेरे को सुरक्षा दो। सुरक्षा नहीं दे पाए। दूसरी बात, इसके सुखदेव सिंह के परिवार से हमने 2 साल पहले हथियारों के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था, उसमें भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न लाइसेंस नहीं दिए, इनके पास हथियार नहीं थे। अब आचार संहिता के चलते इनके जो पर्सनल गार्ड्स थे, उनके जो पर्सनल हथियार थे, उनको भी आचार संहिता के चलते जमा करवा लिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने की लापरवाही है, मिली भगती है, क्यों बिना मिली भगती के ऐसा काम संभव नहीं है। जो अधिकारी इस मांग को, जो सुरक्षा की मांग इनने उठाई, उनने उस पर ध्यान नहीं दिया, या तो वो ये चाहते थे कि सुखदेव सिंह का मर्डर हो, तभी ऐसा नहीं हुआ। तो प्रशासन की पूर्ण मिलीभगति है, हम यही चाह रहे हैं अब कि
कि जिन अधिकारियों को से हमने मांग करी थी सुखदेव सिंह ने कि हमें सुरक्षा दो, वो नहीं दे पाए, तो उसके पीछे कारण क्या रहा? हम ये जांच का विषय है, अगर अधिकारी जो इसमें लिप्त हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ये हमारा मानना। लोगों को हर काम में वो आते थे, छत्तीस बिरादरी का जो भी कोई काम पड़ता तो जयपुर उनको फोन करते, तो जयपुर उच्च अधिकारियों से बात करी, उनका सलेक्शन करवाने की पूरी कोशिश करते थे। बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, 33,000 वोट मिले, हालांकि राजपूतों के 6,000 वोट, तो हर बिरादरी, इससे ये साबित होता है कि हर बिरादरी उनसे जुड़ी हुई थी, तो हर बिरादरी के काम आते थे। उनके जो चाहने वाले हैं ना, तो वो तो बस रो रहे हैं, कल दो तीन दिनों में जो फोन आ रहा है उनके चाहने वालों का, तो वो पहले तो रोते हैं और फिर बाद में बात करते हैं, इतने लोगों के मतलब घर का भाई गया। रात आप यहाँ बैठे हैं, पांच सूत्रीय जो मांग है, ज्ञापन है आपका राज्यपाल महोदय को, तो किसको ज्ञापन दिए, क्या क्या मांगे? तहसील यहाँ तो वहाँ जयपुर में दे रखा है, जयपुर में भी अपने प्रतिनिधि बैठे हैं, 8 तहसीलदार जी आगे गए, 9 अभिमान ने प्रेषित करिए। मांगे तो ये है ना, एक तो उनको घर को सुरक्षा, नौकरी, घर चलाने के लिए 11 करोड़ रुपए की मांग, उसके अलावा लाइसेंस, ये कई मांगे, 5 मांगे उन्होंने की है घर वालों ने, तो वो जयपुर में भी हो रही है, हमने भी है उच्च अधिकारियों ने। क्या कह जी बैठे हैं, बड़े दुख की बात है, हमारे गांव का हीरो चला गया, हमारी रक्षक था, क्या कहे? एक प्रशासन की छोटी सी लापरवाही के कारण हमारा हीरो आज खत्म हो गया, हम बड़े दुख के साथ बैठे। हमारी मांग है भी जो ज्ञापन में दी वो पूरी की जाए, शासन प्रशासन सरकार जो भी है। गांव का कवच था हमारा, रक्षक था, इतना बड़ा मेला भरता है, हम जो कहीं बैठे हैं कहीं कुछ करते हैं, डर नहीं था हमें कि हम गोगा मेड़ी में, उसका रक्षक भाई सुखदेव। लोग कहते हैं गुंडा था, गुंडा नहीं था सुखदेव, सुखदेव सिंह गुंडों का गुंडा था, जो गुंडा पनपते थे उनको नष्ट करने के लिए वो ढाल की तरह काम करता, इसी वजह से आज बैठे, नहीं तो इस एरिया में इतने गुंडा पनप जाते कि हमारा यहाँ रहना दूर दूर। आज हमने एक हीरो को बड़ा दुख होती है, पूर्णिय सती हुई एक साधारण परिवार में जन्म लेकर गोगा जी के बाद जिस व्यक्ति ने गोगा मेडी को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति दिलाई, हम सब के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते कैसा हो सकता है। जो व्यक्ति सर्व समाज के लिए तत्पर रहता था, हजारों किलोमीटर फोन के साथ दौड़ आता था, वह व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, पूरे परिवार के लिए, पूरे गोगा मेडी के लिए, सर्व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है।